हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेरा डेली स्केड्यूल क्या था जब मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट की थी। तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। कई सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि आप प्लीज अपने डेली स्केड्यूल पे बताइए एक वीडियो कि आप क्या रूटीन फॉलो करती थी, आपका पूरा जो दिन रहता था वो बताइए, और अभी आप क्या फॉलो करती हैं वो भी बताइए। तो इस वीडियो में मैं दोनों चीजें बताऊंगी, एक तो मेरा जो डेली रूटीन रहता था उस टाइम पे, और आज मेरा क्या रूटीन है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और कई सारे वीडियोस आपके लिए लेके आने वाली हूँ मैं, और आप भी मुझे सजेशन दे सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। ठीक है, और बाकी आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे मैं अपडेट्स वगैरह देती रहती हूँ। और पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, वहां पे आप मुझसे अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो, मैं आपसे आपकी सारे डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने प्रिपरेशन नई स्टार्ट की थी, ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि क्या अभी से ही हम मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दें। तो मैं आपको अपना बताती हूँ, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैं डेली मॉक टेस्ट देती थी। स्टार्टिंग डे से, जिस दिन मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने मॉक टेस्ट दिया था। ठीक है, मॉक टेस्ट देने से क्या होता है, एक तो आपको पता रहता है, डेली आपको पता चलता रहता है कि आपके कौन से अभी भी टॉपिक्स हैं जो वीक हैं। दूसरी चीज, आपकी स्पीड पे भी काम होता रहता है। आप उस प्रेशर में, वो एक घंटे वाला जो प्रेशर होता है उसमें आप बहुत अच्छे से वर्क करना सीख जाते हो। इसलिए मॉक टेस्ट आप डेली दो, एक मॉक टेस्ट लगाया आपने एक घंटे का। प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ, अगर आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में तो मैं मेंस का जो मैं स्केड्यूल फॉलो करती थी वो भी मैं बता दूंगी, लेकिन ये मैं प्रीलिम्स का बता रही हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने प्रीलिम्स से स्टार्ट किया था और फिर बाद में जाके मेंस मे को समझ में आया था और फिर मैंने मेंस को अपने डेली स्केड्यूल में इनकल्केट किया था। तो इसमें मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैं एक मॉक टेस्ट लगाती थी, एक घंटा मॉक टेस्ट, फिर एक घंटा उसका एनालिसिस। एक घंटा लगता था मुझे उसका एनालिसिस करने में, आज मैं आधे घंटे में ही एनालिसिस कर लेती हूँ। मॉक टेस्ट में एक घंटा, आधा घंटे में आज एनालिसिस कर लेती हूँ। पहले मुझे एक घंटा एनालिसिस का लगता था, उसमें मैं क्या करती थी, पहले ये मॉक टेस्ट जो होते थे इनका इतना अच्छा मतलब सब कुछ इतना अच्छे से वो क्लियर नहीं देते थे। 2020 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी नवंबर मंथ में, तो उस टाइम पे इतना क्लियर नहीं देते थे कि इस सेक्शन में आप वीक हो, वीकनेस, स्ट्रेंथ, वो सब उसमें नहीं देते थे। तो मैं खुद अपनी डायरी में लिखती थी कि इस टॉपिक से मैंने इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, इसमें से ये अनअटेम्प्ट रह गया, इतने रॉन्ग चले गए, ये सारी चीजें मैं खुद अपनी डायरी में लिखती थी। एक डायरी वाला वीडियो भी मैंने बनाया है, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, वो जाके आप देख सकते हो। मैंने उसमें दिखाया है कि किस तरीके से मैं मॉक्स को एनालाइज करती थी, और बाकी एक और वीडियो लेके आऊंगी मैं कि मॉक्स को एनालाइज कैसे किया जाता है। उस टाइम पे मैं इस तरीके से एनालाइज करती थी और समझती थी कि आज मेरा मॉक टेस्ट में ये वाला जो टॉपिक है ये अच्छा नहीं गया है। जैसे पैराजंबल्स है, तो पैराजंबल मेरा पूरा गलत चला गया, तो फिर मैं उस दिन पैराजंबल पढ़ती थी। इस तरीके से मैं उस मॉक टेस्ट में से ही निकालती थी कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक घंटा मॉक टेस्ट दिया और एक घंटा उसका एनालिसिस किया। फिर मैं क्या करती थी, इंग्लिश को मैं दो घंटे देती थी, एक घंटा मैं एडिटोरियल पढ़ती थी और एक घंटा कोई भी टॉपिक। जैसे एरर में मेरे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा गलत जा रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो एरर्स पढ़ लिए मैंने। फ्री सोर्सेज, सारे फ्री सोर्सेज जो यूट्यूब के वीडियोज होते थे वहीं से मैं पूरा अपना पढ़ाई करती थी। दूसरा, जो अगर मेरा आरसी अच्छा नहीं जा रहा है तो आरसी पे मैंने देख लिया, पैराजंबल नहीं आ रहा है तो वो उस पे वीडियो देख लिया। तो इस तरीके से जो भी टॉपिक है उस टॉपिक पे मैं एक घंटा कोई वीडियो देख लेती थी और उसके क्वेश्चंस लगाती थी। इंग्लिश में एक घंटा एडिटोरियल, एक घंटा वीडियो और क्वेश्चन प्रैक्टिस। आगे आते हैं मैथ्स में, तो मैं सबसे पहले मैं मॉक टेस्ट इसीलिए लगाती थी ये समझने के लिए कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस क्या है। तो मैं, मुझे ये समझ में आ गया था कि इंग्लिश और रीजनिंग मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, इन दोनों में मैं अच्छा परफॉर्म कर लेती हूँ, लेकिन मैथ्स में मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हूँ, मेरी इतनी अच्छी स्पीड नहीं है। ठीक है, और थोड़ा सा डर भी लगता है कि यार इतने भारी भरकम क्वेश्चंस लगते थे उस टाइम पे, डर लगता था। तो इस वजह से मैं मैथ्स को तीन घंटे देती थी। तो आप क्या करो, अपना समझो कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उस हिसाब से आप टाइम को डिवाइड करो। तो तीन घंटे मैं मैथ्स में देती थी और तीन घंटे में मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी और साथ ही साथ टॉपिक्स को भी क्लियर करती जाती थी। अर्थमेटिक टॉपिक्स मैंने तब से क्लियर करना स्टार्ट कर दिया था। मैं लास्ट टाइम के लिए वेट नहीं किया मैंने कि प्रीलिम्स के बाद मैं अर्थमेटिक स्टार्ट करूंगी, मैंने अर्थमेटिक पहले से ही स्टार्ट कर दी थी। ये मैंने अपने स्ट्रेटजी वीडियोज में भी आपको बताया है, आप जाके चेक कर सकते हो, बैंक एग्जाम स्ट्रेटजीज 2022 वाला प्लेलिस्ट।
तो मैं क्या करती थी, उन 3 घंटे में बहुत सारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती जाती थी। ठीक है, जैसे सिंप्लीफिकेशन है, उसकी अलग अलग कैलकुलेशन ट्रिक्स क्या होती हैं, किस तरीके से जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक के क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्लियर कर लिए मैंने एक दिन बैठ के पूरे, इनइक्वालिटीज और ये सारी चीजें मैं क्लियर करती जाती थी। फिर आगे आते हैं रीजनिंग पे, तो रीजनिंग में मैं 2 घंटे देती थी, 1 घंटा मैं पजल्स लगाती थी। स्टार्टिंग में मेरे को पजल्स लगाने में बहुत टाइम लगता था, तो 1 घंटे में मैं 6-7 पजल्स लगा पाती थी उस टाइम पे प्रीलिम्स के। और फिर धीरे धीरे करके जब मुझे समझ में आ गया कि हाँ इस तरीके से जल्दी जल्दी लगा सकते हैं, पजल लगाने का एक तरीका समझ में आ गया, उसके बाद मैं बहुत अच्छी तरीके से जल्दी जल्दी पजल्स लगाती जाती थी। 1 घंटा मैं पजल को देती थी, 1 घंटा मैं मिसलिनियस को देती थी, जैसे डायरेक्शन टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, ये जो भी टॉपिक्स होते हैं, इनइक्वालिटीज हो गया, इनके क्वेश्चंस लगाने के लिए मैं 1 घंटा देती थी। सारे जो भी क्वेश्चंस लगाती थी मैं यूट्यूब से ही लगाती थी, यूट्यूब के वीडियोस देख के पॉज करके क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करती थी, बाकी जो पीडीएफ्स इधर उधर से फ्री मिल जाती है उनसे मैं क्वेश्चंस सॉल्व किया करती थी। अगला मेरा होता है जनरल अवेयरनेस, उसको 1 घंटा मैं देती थी डेली, 1 घंटा मैं पढ़ती थी, बाकी स्टार्टिंग में मैं नहीं देती थी, मैं उसको लिखती जरूर थी अपने स्केड्यूल में कि 1 घंटा मुझे जनरल अवेयरनेस का देना है, करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, पर स्टार्टिंग में मैंने नहीं पढ़े थे, इस वजह से मुझे अपना एक मार्क्स से सिलेक्शन मेरा रुका था IBPS PO में फाइनल लिस्ट में। तो ये गलती आप मत करना, आप जनरल अवेयरनेस को स्टार्टिंग से पढ़ो, ठीक है, स्टार्टिंग से पढ़ो और अच्छे से स्ट्रैटेजीज फॉलो करते रहो। तो मेरा पूरा जो दिन का स्केड्यूल बनता था वो 10 घंटे का बनता था, 1 घंटा मॉक टेस्ट, 1 घंटा उसका एनालिसिस, 1 घंटा एडिटोरियल, 1 घंटा इंग्लिश का कोई टॉपिक, 3 घंटे मैथ्स के सीधे सीधे जिसमें मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी और बाकी सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियरेंस वगैरह कर लेती थी। 2 घंटे मैं रीजनिंग को देती थी, 1 उसमें से पजल और 1 कोई भी मिसलिनियस टॉपिक, और 1 घंटा मैं जनरल अवेयरनेस को देती थी। तो 10 घंटे मैं पढ़ाई करती थी स्टार्टिंग में, और अभी भी उतना हो जाता है, 8-10 घंटे मैं पढ़ लेती हूँ। इस तरीके से मैं पूरे आवर्स का डिविजन करती थी, ये मेरा डेली शेड्यूल था। आप को क्या करना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस समझनी है और उस हिसाब से ही आवर्स को डिवाइड करना है, और आवर्स के साथ आपको ये भी समझना है कि क्या क्या पढ़ना है वो भी लिखना है आपको। ठीक है, सिर्फ आवर्स को डिवाइड करके मत रख लो, वरना पता है कि 3 घंटे में हमने मैथ्स के लिए रख लिया, हम इधर उधर ही खोए हुए हैं, 3 घंटे पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो 3 घंटे में पढ़ना क्या है वो भी लिखा करो। ठीक है, इससे आप बहुत अच्छे से सिलेक्शन ले पाओगे, एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ये रहा मेरा डेली स्केड्यूल, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर नए आए हो आप, और बाकी बताओ कमेंट सेक्शन में और किस किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लेके आती रहूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाकी आप मुझसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे आप पर्सनली मुझसे बात कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैं अपडेट्स वगैरह देती रहती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।